हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है, आपको सिर्फ सिंपली सर्च करना है studyforcivilservices.com और आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम है RAS की एग्ज़ाम, इसके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप जाकर पढ़ सकते हो और फ्री में तैयारी कर सकते हो। अगर आप चाहे तो हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, इसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शेयर की जाती है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक है राजस्थान GK ज्ञान, ऐसा टाइप करना है आपको टेलीग्राम में। अगर कोई दिक्कत हो रही है ज्वाइन करने में तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगी, उसके ज़रिए आप ज्वाइन कर सकते हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RAS एग्ज़ाम 2013 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर हम क्वेश्चन और उसका आंसर देखने वाले हैं, जिससे आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट हैज़ नॉट बीन रिटन बाय कुंभा कलानिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम एंड नंदलाल आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये एसोसिएटेड थे अलवर शैली से, जिसे हम यहाँ पर अलवर स्टाइल कहते हैं। ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज ऑफ ईस्ट वाइल राजपूताना डिड वरिक डायनेस्टी रूल। बयाना, वरिक वंश बयाना। द गोगा नवमी इज कॉल्ड, गोगा नवमी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है पर्वतसर। यहाँ पर कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना, केसरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है ग्राम देवता के रूप में, विलेज डाइटी। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, अजीवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द पेयर यहाँ से, यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है, पहले ये कहते हैं कि मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, तुगलक, अष्टभुजीय मकबरों का उदय, खलजी, स्तंभों में बोधिगयों का प्रयोग, विजयनगर, और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। ये आता है शार्की, इसका मतलब वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? पहला कथन है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजिनी की जीवनी लिखी, जी हां, उससे प्रभावित थे, लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पैदा करती है, जी हाँ, लिखी, सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते हुए जहाज से कूद पड़े, जी हाँ, ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर फोर हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं, निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्याय में उल्लेखित हैं? मगध, अश्मक और कंबोज, ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर फोर देखिए, जो हमें बताता है कि एम रफीक मुगल, हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेड़ भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन थे? प्रथम मराठा सरदार थे राजा साहू, द ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी, ऑप्शन नंबर एक। पंकोदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, किस लिए लिया जाता था ये जुर्माना? सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहरिका,
निम्न घटनाओं पर विचार करें तथा निम्न कूटों में से सही उत्तर का कालानुक्रमिक चयन करें, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें यहाँ पर इनकी सिलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो पहले हम बात करते हैं द जालियन वाला बाग ट्रेजेडी की, ये होगा फर्स्ट। देन नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्वराष्ट्र पार्टी, देन फॉर्मेशन ऑफ नौजवान भारत सभा, और फिर है द दांडी मार्च, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश प्रसिद्ध है, फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश क्यों फेमस है? तो ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री की वजह से फेमस है। क्वेश्चन नंबर 19 गलत होने के कारण इसका आंसर अवेलेबल नहीं है, इस पर कोई बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फॉलोइंग मैप इज शोइंग द लोकेशन ऑफ पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया 1, 2, 3 एंड 4। आइडेंटिफाई एंड आंसर द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो। हमें इसे करेंट सीक्वेंस के हिसाब से आंसर करना है। तो करंट सीक्वेंस के हिसाब से देखिए, तुतीकोरन, देन चेन्नई, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम। ठीक है, तुतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम, क्वेश्चन नंबर 20 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कोयली गुजरात, HPCL, ये पेयर यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है, कहाँ पर ये मिलते हैं? ये मिलते हैं झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमें मैच द फॉलोइंग करना है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है? ये है अफ्रीका और यूरोप के बीच में। ठीक है, देन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहाँ है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ बीजिंग, स्ट्रेट ऑफ बीजिंग कहाँ पर होगा? ये होगा एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। और लास्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, ये है गल्फ़ ऑफ ओमान और गल्फ़ ऑफ पर्सिया के बीच में। ठीक है, इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज सुटेबल फॉर हाई लैंड एरिया ऑफ इक्वेटोरियल रीजन? किस तरह का एग्रीकल्चर सूट करता है इस तरीके के एरिया को? तो देखिए, जो बागायती कृषि होती है या प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, ये सूट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कौन सा स्टेट इंडिया का लोकेटेड है इस जगह पर? तो ये हमारा स्टेट है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें स्टेटमेंट पढ़ना है और सही आंसर कौन सा है उसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, स्टेटमेंट ए हमें कहता है रिवर फ्लो फ्रॉम हिमालय आर पेरिनियल रिवर, सही है। स्टेटमेंट आर जो कि रीजन है, इसका रीजन है सोर्स ऑफ हिमालयन रिवर आर लोकेटेड इन ग्लेशियर्स। देखिए, इसका आंसर बहुत ही सीधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ANR बोथ करेक्ट एंड आर सपोर्ट ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया कवरिंग द मैक्सिमम एरिया, डेकन प्लेटू, दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग मैप इज शोइंग द मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राइब्स इन राजस्थान, आइडेंटिफाई एंड आंसर द करेक्ट सीक्वेंस इज गिवन बिलो। यहाँ पर हमें करेक्ट सीक्वेंस के हिसाब से इन्हें आंसर करना है। तो पहला देखिए, यहाँ पर हो जाएगा सासी, सहरिया, भील, गरेसिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट फिर मैप पे बेस्ड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग मैप इज शोइंग द लोकेशन ऑफ लेफ्ट कैनल ऑफ IGNP इन राजस्थान, आइडेंटिफाई एंड आंसर द करेक्ट सीक्वेंस इज गिवन बिलो। हमें यहाँ पर भी करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। तो पहला आ जाएगा जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर, कुंवरसेन लिफ्ट नहर और चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के दक्षिण पूर्व पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं, इस कृषि को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं बालारा, ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मेजर कोल टाइप फाउंड इन राजस्थान स्टेट इज लिग्नाइट. लिग्नाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गोट मंगल लोड एरिया इज रिलेटेड टू विच मिनरल्स. जिप्सम. जिप्सम से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मवात ऑकर ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. मवात जिससे होता है वह है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला है केसर, केसर देसर. केसर देसर का हो जाएगा बीकानेर. देन है कापुरड़ी, इसका आएगा दोस्तों बारमेर. ओके, देन है मातासुक, मातासुक का होगा नागौर. और लास्ट में है तानोट, तानोट का होगा जैसलमेर. तो इस तरीके से ऑप्शन एक हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए अगला सवाल देखते हैं. विच इज़ नॉट द आयरन ओर माइनिंग एरिया. दिए गए एरिया में से, दिए गए जो नाम है, इन नामों में से कौन सा एरिया है जहाँ पे आयरन ओर की माइनिंग नहीं होती है. ठीक है, तो ये एरिया होगा दोस्तों तलवाड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे इनकरेक्ट होने की वजह से एग्जामिनेशन के प्रोसीजर में काउंट नहीं किया गया था. इसे हम बाहर इसे डिस्कस नहीं करते हैं. संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति, सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई. कौन सा वो संशोधन था जिस संशोधन द्वारा इसे छीना गया है. देखिए ये 24वां संशोधन था. ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है. किस स्थान पर रखा गया है, तीसरे स्थान पे. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है. संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है. तो दोस्तों भाग 9 जो है यह है पंचायत से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन गिवन रेफरेंस और फंडामेंटल राइट मेंशन इन आर्टिकल 14 एंड 19. दूसरा स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ लाइट डाउन इन इट्स वर्डिक्ट इन मिनर्वा मिल केस 1980 दैट प्रेफरेंस गिवन ओनली टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन इन आर्टिकल 39(b) and (c) ओवर फंडामेंटल राइट मेंशन इन आर्टिकल 14 and 19 इज कॉन्स्टिट्यूशनल. ओके, दोनों स्टेटमेंट आपने देखा, दोनों में से सही कौन सा है ये पूछा गया. और स्टेटमेंट जो 2 है ये सही है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर हमें मैच द पेयर करना है. पहली लिस्ट में प्रोविंशनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किए गए हैं इनका प्रोविजन क्या था. और दूसरी लिस्ट में इनका नंबर है. पहले देखते हैं राइट टू फॉर्म कॉरपोरेटिव सोसाइटीज अंडर आर्टिकल 19(1)(c). इसका आएगा दोस्तों ये था 97th अमेंडमेंट. उसके बाद है प्रोटेक्ट SC ST रिजर्वेशन इन फिलिंग बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज. ये होगा 81th. देन फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसका हो जाएगा 99. और लास्ट में है रेस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ काउंसिल �फ मिनिस्टर. ये होगा 91. करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर भी हमें मैच द पेयर करना है. पहली लिस्ट में वेलफेयर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी गई है और दूसरे इसमें इसका कंटेंट दिया गया है. तो देखते हैं इसे. नई रोशनी प्रोग्राम वुमन एम्पावरमेंट के लिए है. दिशा IT ट्रेनिंग के लिए है. प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है. और स्वावलंबन स्कीम ये है न्यू पेंशन सिस्टम. ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 2 हमारा करेक्ट आंसर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 44. देखिए यहाँ पर भी मैच द पेयर दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और दूसरे लिस्ट में उसके सोर्स.
तो देखिए, फर्स्ट है फंडामेंटल राइट, यह है यूएस बिल ऑफ राइट से लिया गया है। उसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे लिया था। कैबिनेट कैबिनेट गवर्नमेंट, इसे हमने लिया था ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है, यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, इसे लिया था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर एक एसर्शन और रीज़न दिया गया है, कथन और कारण। पहले कथन देखते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फेडरल डिज़ाइन वॉज टू व्यू अ नेशन आउट ऑफ इट्स मैनी डाइवर्स पार्ट एंड प्रोटेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन, राइट। रीज़न देखते हैं, अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी हैज़ बिल्ट अ स्ट्रोंगर बट हाँ अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज हैज़ बिल्ट अ स्ट्रोंगर नॉट वीकर इंडियन नेशनल हुड। देखिए, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 हम यहाँ पे देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 46 को एग्जामिनेशन से आउट किया गया था बिकॉज इनकरेक्ट था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, यहाँ पर भी मैच द पेयर दिया गया है, पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट दी गई है, इसे हमें करेक्टली मैच करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये तो कितना इजी है, 1935 में आया था ना, क्रिप्स प्रपोजल। भाई, क्रिप्स प्रपोजल आया था 1942 में, अगस्त ऑफर, अब अगस्त ऑफर आया था 1940 में, एंड लास्ट वन इज वेवेल प्लान, ये 1940, जी वेवेल प्लान आया था 1945 में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 48, इसे भी एग्जामिनेशन से बाहर किया गया था बिकॉज ये सही नहीं था। और उसके बाद का नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। मिजोरम हैज़ बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ स्टेटस ऑफ अ स्टेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भाई, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत मिजोरम को स्टेट का दर्जा दिया गया है? तो ये जो अमेंडमेंट था, ये था 53rd अमेंडमेंट, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसी टाइप का सवाल है एसर्शन और रीज़न का। एसर्शन देखिए, सरकार या कमीशन रिकमेंडेड दैट आर्टिकल 356 शुड बी स्पेरिंगली यूज्ड। रीज़न है इसका, द पॉलिटिकल पार्टी दैट कम टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट सेंटर मिस यूज द आर्टिकल 356। देखिए, यहाँ पे दोनों ही ट्रू है, बट जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है ए का। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग हु हैज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन जून 2009, किसे अपॉइंट किया गया था? देखिए, यहाँ पर मिस्टर राम सेवक शर्मा, इन्हें अपॉइंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 एग्जामिनेशन से बाहर किया गया था बिकॉज ये सही सही से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम यहाँ पे, हु अमंग दीज वॉज नॉट अ चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, इनमें से कौन चेयरपर्सन नहीं थे राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन के? देखिए, जस्टिस प्रेमचंद जैन, जस्टिस प्रेमचंद जैन नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 54 है, इसे भी एग्जामिनेशन से बाहर किया गया था बिकॉज ये सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे देखते हैं, एज पर द स्टेट इलेक्शन कमीशन इन अर्बन लोकल बॉडीज जनरल इलेक्शन 2015 स्टेट पोलिंग परसेंटेज वॉज कितना था? भाई, स्टेट पोलिंग परसेंटेज उस समय 76.19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली ऑफ राजस्थान द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्ड सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर कांग्रेस वॉज कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? ये थी हमारी रामराज परिषद, रामराज्य परिषद, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वॉज द ऑफिस ऑफ डिविजनल कमिश्नर अबॉलिश्ड एंड रिव्यूड देयर आफ्टर, कौन से ईयर में ये किया गया था? देखिए, ये किया गया था 1962 में और इसे रिव्यू किया गया था 1987 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58। वॉट इज नॉट ट्रू अबाउट राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड।
नीचे दिए गए कोट के आधार पर हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए करेक्ट आंसर है हमारा कि द कमीशन बिकेम फुल्ली फंक्शनल फ्रॉम मई 2000। ओके देन दूसरा इसमें आता है अ फॉर्मर चीफ जस्टिस आर फॉर्मर जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बिकेम चेयरमैन ऑफ कमीशन, चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। और लास्ट में आता है जस्टिस ए एस गोधरा वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन फ्रॉम 2000 to 2005। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर एक हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमें मैच द पेयर करना है। लिस्ट एक और लिस्ट दो दी गई है, ठीक है। लिस्ट एक में हमें फाइनेंस कमेटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और लिस्ट जो दो है इसमें हमें उनके चेयरपर्सन की इनकी करेक्ट मैच द पेयर यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो देखिए पहले है कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, इसके आते हैं प्रद्युमन सिंह। देन है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसके आते हैं मोहन लाल गुप्ता। देन कमेटी ऑन एस्टिमेट ए, इसके आते हैं मदन राठौड़। कमेटी ऑन एस्टिमेट्स बी, इसके होंगे डॉक्टर गोपाल कृष्णन। ऑप्शन नंबर एक हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज ऑन सितंबर 11, 2015 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान स्टूड फर्स्ट इन अचीविंग द एनुअल टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट, ठीक है। कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है? देखिए वो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों अजमेर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 4 बार। निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना? श्री के राधा कृष्णा। वर्ष 2013-14 में राजस्थान का किस फसल के उत्पादन में समस्त देश में प्रथम स्थान रहा था? ये फसल थी रेप सीड और सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए डॉक्टर सी रंगाराजन विशेषण समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 2011-12 में जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा? छत्तीसगढ़। राजस्थान में वर्तमान में किस सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की प्रस्तावित क्षमता सर्वाधिक मानी गई है? कौन सा ये सुपर पावर प्लांट है जिसकी प्रस्तावित क्षमता सबसे अधिक मानी गई है? तो ये पावर प्लांट है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो यह करेक्ट आंसर है दोस्तों कि आधार वर्ष और गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने के सर्वाधिक सहयोग किस तत्व से मिल सकता है? ठीक है, इस सवाल में इन्होंने पूछा था कि कौन सा फैक्टर है जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारे देश की ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए। तो GST की बात यहाँ पे की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर है। देखिए 2013 का ये पेपर है ना, तो इसमें इस तरीके के सवाल आना आ सकता है। नेक्स्ट है मैच द पेयर, यहाँ पे पूछा गया है स्पेशलाइजेशन है, और एक लिस्ट में और दूसरे लिस्ट में नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला है टैक्सेशन, तो इसका पार्थार्थी शॉम। देन है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का आएगा दोस्तों अशोक गुलाटी। देन है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का सी रंगराजन, उस समय क्या थे ये आप जानते हो। इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग एंड स्टेट लेवल रिफॉर्म, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड स्टेट लेवल रिफॉर्म, इसका आता है अरविंद पंगारिया, आप जानते हो ना, जो नीति आयोग के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे उस समय। फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का राइट होगा मिस्टर एम गोविंद राव। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम ऑफ राजस्थान कैरोसिन ऑन पायलट बेसिस इन राजस्थान स्टार्टेड फ्रॉम, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के बारे में सवाल पूछा गया है, और यह सही जवाब है कोटकासिम तहसील से इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा ज़िला शामिल नहीं है? इसमें जालौर शामिल नहीं है। एफएम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यूजेस द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड बिटवीन। देखिए दोस्तों, जो रेंज का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है 88 से 108 तक ए मेगाहर्ट्ज़ के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हाइड्रोजन सल्फाइड है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है, हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर गिवन बिलो। यहाँ पे स्टेप दी गई है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इज, और इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा हमसे ये पूछा यहाँ पर गया है। देखिए दोस्तों, पहले आता है कि आइडेंटिफाई किया जाए और उसे आइसोलेट किया जाए जेनेटिक मटेरियल को, मतलब ए। नेक्स्ट उसके बाद होता है कि उसका फ्रेगमेंटेशन किया जाए डीएनए का, बी। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसे आइसोलेट करते हैं और डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट उसे निकालते हैं। उसके बाद होता है एप्लीकेशन एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट, जी। देन नेक्स्ट होता है लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंटेशन इनटू वेक्टर, वेक्टर में उसे ये किया जाता है। उसके बाद होता है ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, फिर उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर होता है ऑप्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, और हमें वो प्रोडक्ट मिलता है, और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सी पेयर है भाई जो करेक्टली मैच है, लाइगेस मॉलिक्यूलर स्टिचेस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरिन इज नॉट ट्रू। एस्पिरिन के बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? देखिए ये कहता है कि एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट ऑफ फ्यू सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इसरो इज गिवन बिलो अलॉन्ग विद डेट ऑफ देयर लॉन्च। विच टू ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट फेल टू रीच द ऑर्बिट। इसरो ने जिन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है और उनके डेट्स दिए गए हैं, इनमें से कुछ है जो कि इनमें से दो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फेल हो चुके थे अपने ऑर्बिट तक पहुँचने में, वो कौन से, हमें ये पहचानना है। तो देखिए दोस्तों, वो थे GSAT-4 और GSAT-5P, राइट, जो कि 15 अप्रैल 2010 और 25 दिसंबर 2010 की ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 हमारे सामने है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि C-130J सुपर हरक्यूलेस इज वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एयर लिफ्टर बींग यूज्ड बाय इंडियन एयर फोर्स। दीज एयर लिफ्टर आर मेड बाय, इन एयर लिफ्टर्स को बनाया गया है किसके द्वारा? इन्हें USA के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड देर इज अ नो टाइम टू चेक हिज ब्लड ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड शुड बी गिवन टू हिम। भाई ऐसी सिचुएशन में उसे कौन सा ब्लड दिया जा सकता है? तो देखिए उसे दिया जा सकता है, ऑप्शन 2 है, O नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, हेपेटाइटिस बी, सुनहरी चावल, गोल्डन राइस। देखिए एक ट्रांसजेनिक राइस होता ही है, हैविंग जीन फॉर कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करता है। देखिए दिए गए ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बैटरी, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। देखिए दिए गए ऑप्शंस में से यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एयर। यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर एज अ ग्रुप ऑफ 16 बाइट। नेक्स्ट देखते हैं। द रेटिना इज आउट आउट ग्रोथ ऑफ द डाइएन्सेफेलॉन। रेटिना आउटग्रोथ होती है डायन्सेफेलॉन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंजाइम्स एंड इट्स फंक्शन। हमें यहाँ पे करेक्ट पेयर और उसके फंक्शंस को
आइडेंटिफाई करना था, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा आंसर है, इकोलाई रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस सेकेंड, डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक प्लेसेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन टोमेटोज आर अ रिच सोर्स ऑफ, टोमेटो रिच सोर्स है किसके, साइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर दो साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवी इज, कीवी है, व्हाट इज, फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड ओनली इन न्यू न्यूजीलैंड, देखिए न्यूजीलैंड में मिलता है और फ्लाइटलेस बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा हैज़ बीन इन द न्यूज़ बिकॉज, जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा ये नाम न्यूज़ में था क्यों, देखिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये सवाल है, जाहिर सी बात है, उन्हें बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम हिंदू चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलवाई गई, इसीलिए ये नाम न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उस खिलाड़ी का नाम पहचानी है जिसे 2014 में अर्जुन पुरस्कार दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद दिया गया, मनोज कुमार थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज जिन्होंने सन 2005 में लंबी कूद स्पर्धा में तीसरी विश्व एथलेटिक्स में रजत पदक जीता था, अब 2014 में स्वर्ण पदक विजेता घोषित कर दी गई है, क्या कारण है, कारण आर ये कहता है रूसी एथलीट डोप टेस्ट में दोषी पाई गई थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो कहता है कि ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग, देखिए ए यहाँ पर करेक्ट है बट आर जो स्टेट में आर जो रीज़न दिया गया है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, द राजस्थान पंचायत एक्ट अमेंडमेंट बिल 2015 वॉज पास्ड बाय राजस्थान विधानसभा ऑन मार्च 27, 2015, इट प्रोवाइड फॉर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ऑफ लोकल लीडर्स, लीडर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है वो किस प्रकार है, देखिए उनके घरों में शौचालय होना चाहिए पहली बात, दूसरी बात ये आती है इसमें कि पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है, और तीसरी बात ये आती है कि सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारी का 5वीं कक्षा पास होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ये है हमारा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिस्ट एक और लिस्ट दो दी गई है और हमें करेक्ट मैच द पेयर कराना है, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है, ओके ये तो आप जानते होंगे, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट डे, 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे, 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय द ईयर, ये है 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत में मुख्य रूप से जोर दिया गया है, जलापूर्ति जी हाँ, सीवरेज सुविधाएं जी हाँ, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं जी हाँ, पार्क एवं मनोरंजन केंद्र का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए जी हाँ, जल क्या है लास्ट में, स्टोर्म वाटर ड्रेन टू रिड्यूस फ्लडिंग, जी हाँ फ्लडिंग रोकने के लिए भी, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये सब बातें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 127, किसने कहा है, अभी हाल ही में किसने कहा कि लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत का भविष्य खतरे में है, यह कहा था रिचर्ड ए फाल्क ने, भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में कितने संशोधन से पारित किया गया, कि 9 संशोधन हुए थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वर्ष 2015 में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता, साइना नेहवाल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कितने वर्षों बाद श्रीलंका में क्रिकेट टेस्ट सीरीज जीती, 22 वर्षों बाद, भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य है, मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है, देखिए दोस्तों ये प्रोवाइड करता है इजी फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सेटअप स्मॉल बिजनेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेट ऑन, सिविल सर्विस डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है,
सिविल सर्विस डे को 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द इंडियाज ऑस्कर जूरी फॉर 88 अकेडमिक अवार्ड, किसे अपॉइंट किया गया था? ये थे हमारे अमोल पालेकर जी। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, कौन सा इंडिया का वो स्टेट है? तो आप जानते हैं वो है हमारा झारखंड है। 2 ईयर 8 मंथ 28 नाइट इज़ अ बुक रिटन बाय, ये इस बुक को किसने लिखा था? सलमान रशीद, सुलेमान रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द रिसेंटली हेल्ड HIL ऑक्शन द कोस्टलियस इंडियन हॉकी प्लेयर वॉज, कोस्टलियस इंडियन हॉकी प्लेयर कौन थे? डॉक्टर जी ये थे कोस्टली, कोस्टलियस्ट मीन्स ज़्यादा फीस किसे दी गई थी? आकांश दीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 जो हमें बताता है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम राजस्थान वॉज अवार्डेड पद्मश्री इन 2015 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेडिसिन, मेडिसिन में कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए किसे अवार्ड दिया गया? डॉक्टर राकेश कोटेजा, ऑप्शन नंबर 2 जो है डॉक्टर राकेश कोटेजा। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में शिक्षक दिवस को हरी गुरु कहा जाता है, किस देश में शिक्षक दिवस को हरी गुरु कहा जाता है? मलेशिया में कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अबाउट रणछोड़ भाई रेबरी, रणछोड़ भाई रेबरी के बारे में कौन सा दिए गए कथनों में से सही नहीं है? देखिए कि ही वॉज अ सोल्जर इन इंडियन आर्मी, ये यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 जो हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, विश्व जनसंख्या दिवस 2015 की निम्न में से कौन से एक विषय वस्तु थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी थीम थी? देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2015 की ये पूछा गया है, और ये थी वल्नरेबल पॉपुलेशन इन इमरजेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट राजा रमन्ना, राजा रमन्ना जी के बारे में स्टेटमेंट कंसिडर कीजिए, और कहा गया है करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कीजिए जो नीचे कोड दिए गए हैं इनके आधार पे। तो ये यहाँ पे जो सवाल था दोस्तों ये सही नहीं है, बिकॉज एग्जामिनेशन में से इसे बाहर रखा गया था, इसमें कुछ गलतियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो ये देवी हमारी शाकुंभरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर आफ्टर द रूलर इन द किंगडम ऑफ मेडिवल राजस्थान वॉज नोन एज, देखिए रूलर के बाद किसका ऑफिस को माना जाता था? ये था हमारा प्रधान। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड राजस्थान विच वॉज फॉर्मड ऑन 25 मार्च 1948, किसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था? ये थे गोकुल लाल असावा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लेस विच इज़ फेमस फॉर टेराकोटा क्राफ्ट, कौन सा प्लेस है जो टेराकोटा क्राफ्ट के लिए फेमस है? मोलेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुक और उनके ऑथर के नाम यहाँ पर हमें मैच द पेयर करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 146 हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहला है हमीरायन, हमीरायन, और बुक है भांडू व्यास, ठीक है? बुक है भांडू व्यास, फिर है वीरमायान, इनकी बुक है बदर जो सामने है, फिर है रघुनाथ, इनकी बुक होंगी दोस्तों, इनकी बुक होंगी दुर्गा, नॉट नॉट दुर्गा, मच्छाराम सेवक, काफ़ी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है कभी कभी, और लास्ट में है किरतार बावनी, इनकी बुक होंगी जो बची है, कौन सी बची है? दुर्गा दुर्सा अवधा, दुर्सा आढ़ा, ओके। ऑप्शन नंबर 2 हम फिर से देखते हैं, पहला है हमीयारन, हमीयारन का आता है भांडू व्यास, फिर आता है वीरमायान, इसका आता है बदर, फिर आता है रघुनाथ रूपक, इनका आता है मच्छाराम सेवक, और फिर होता है किरतर बावनी जिसका आता है दुर्सा आढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूट विच इज़ आर नॉट एरोफोन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हमें आइडेंटिफाई करना है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा सुषिर वाद्य नहीं है, जो कि एक सुषिर वाद्य नहीं है? ये है दोस्तों हमारा केवल नंबर 4 में जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे सही आंसर है, कमा कमा या ऐसा, ठीक है? गलत युग्मों को चुनिए, इनकरेक्ट पेयर को हमें यहाँ पे पहचानना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर है घड़सी सर बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 149 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया?
राजस्थान अखबार का प्रकाशन, ये थे ऋषि दत्त मेहता जी, इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, ड्यूरिंग द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ द दिल्ली शिवालिक पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज स्क्रिप्ट। ये थे हमारे विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन देखे, बस उन क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया था जो हम इस तरीके से नहीं देख सकते थे, मीन रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन, कॉम्प्रहेंशन रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पब्लिक चैनल को ज्वाइन कीजिए और वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए, बिकॉज वहाँ पे बहुत सा मटेरियल अवेलेबल है आपके स्टडी के लिए। थैंक यू।